हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आपको छोले की रेसिपी बना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको छोले की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। ज्यादा मिर्च मसाले इसमें नहीं डालूंगी ताकि ये बच्चे भी आराम से खा सकें। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने एक कटोरी में ये बड़े वाले छोले हैं ये मैंने रात भर भिगो के रख दिए थे और ये सवेरे इस तरह से काफी फूल गए। अब चलिए मैं इनको बॉईल करती हूँ। तो यहाँ पर हम एक कुकर लेंगे और इसमें हम ये छोले डाल देंगे और इसमें हम बस इतने ही पानी डालेंगे जितने कि ये छोले डूब जाएं। ज्यादा पानी डालने से क्या होगा, आपके छोले जो है वो गलेंगे नहीं अच्छे तरह से। तो आप इतना ही पानी डालिए कि जितने की आपके छोले डूब जाए। और आप चाहें फ्रेंड्स तो आप इसमें काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता या कोई भी खड़ा मसाला डाल सकते हैं, बड़ी काली मिर्च डाल सकते हैं। बट मैं क्योंकि सिंपल बना रही हूँ तो मैं इसमें कुछ भी गरम मसाला नहीं डालूंगी, मैं इसको सिंपल ही इस तरह से बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं ताकि ये गल जाए, पर मैं इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालूंगी। मैं इसमें बस ये नमक डाल के इसको इस तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको इस तरह से बंद करके 5-6 विसिल आने तक कुक कर लूंगी और उसके बाद का प्रोसेस हम बाद में देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम छोले को छौंकने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और यहाँ मैं इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लूंगी। आप चाहें तो आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये एक तेज पत्ता डालूंगी और यहाँ पर मैं ये 2 लौंग डालूंगी इसमें और ये मैंने 3-4 काली मिर्च ली है खड़ी, ये डाल दूंगी। और यहाँ मैं इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल दूंगी। और फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ एक बड़े प्याज की, ये मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया था, इसको भी डाल दूंगी। और मैं इस प्याज को अच्छे से भून लूंगी। प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है क्योंकि फ्रेंड्स जब हम प्याज को बहुत अच्छे से भूनेंगे तभी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे छोलों में। तो जब तक ये हमारा जो प्याज है ये ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये जो हमारे प्याज है ये भून चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने ये टमाटर को पीस लिया था, एक बड़े टमाटर को पीस लिया था, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मैं प्याज के साथ ही इस टमाटर को भी अच्छे से इसमें भून लूंगी और इसी के संग मैं इसमें जो मसाले हैं वो भी डाल दूंगी। सो यहाँ मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। लाल मिर्च मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूंगी। अगर आपको लगता है कि आपका मसाला थोड़ा सा जल रहा है तो आप इसमें पानी डाल दीजिए थोड़ा सा और उसके बाद इस मसाले को अच्छे से भून लीजिए। तो फ्रेंड जब तक हमारा मसाला हो रहा है तब तक हम ये कुकर खोल के भी देख लेते हैं कि हमारे छोले गले या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 5-6 सीटी लगाई थी और ये हमारे छोले देखिए। ये देखिए गल गए अच्छे से, तो इन्हें मैं एक तरफ रख दूंगी और अब हम थोड़ा सा मसाले को हम और अच्छे से भून लेंगे क्योंकि मसाला आप जितना अच्छा भूनेंगे हमारे छोलों में उतना अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए ये मसाले अभी हमारे भून रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इनको और अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाले हमारे अच्छे से बिल्कुल देखिए भून गए हैं। इनका अगर आप कलर देखें तो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे और ये जो हमारे मसाले हैं इनको, ये जो हमारे छोले का कुकर है इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे मसालों को हमने इसमें डाल दिया था और अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मैंने पानी बहुत ज्यादा नहीं डाला है इसमें
सिर्फ इतना डाला है कि छोले इसमें डूब जाएं। आपके ऊपर अगर आपको बहुत ज्यादा इसको पतला करना है तो आप पानी ज्यादा डाल सकते हैं। आपके ऊपर आपको ग्रेवी ज्यादा पतली रखनी है, गाढ़ी रखनी है, आपके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ मैंने ज्यादा पानी नहीं डाला है। और अब मैं इसको भी 2-3 सीटी लगा लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुकर खोल के देखते हैं कि हमारे छोले हुए या नहीं। ये मैंने 2-3 विसल लगा ली थी और ये देखिए बगैर किसी मसालों के ही कितने अच्छे लग रहे हैं छोले। तो चलिए अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको इनके ऊपर गरम मसाला डालना है तो आप पिसा गरम मसाला डाल दीजिए। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारे छोले बनके तैयार हो गए हैं और काफी सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। तो देख रहे हैं आप, देखने में ही काफी अच्छे लग रहे हैं। आप चाहें तो आप इसको चावल के संग ले सकते हैं या फिर आप पराठा या रोटी के संग भी ले सकते हैं। सिंपल होने के बावजूद भी काफी हेल्दी भी हैं ये और काफी अच्छे भी लगते हैं, टेस्ट में भी काफी अच्छे लगते हैं। तो आप जरूर इस तरह से ट्राई करिए और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।